नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड के फैंस हमें व्हाट्सएप करें हाय बिग फैन 8097426767 पर। मैं अपनी जिंदगी काट चुकी हूँ, अपने हिस्से के दुख सह चुकी हूँ। अब और कितने दिनों तक जिंदा रहूंगी? कौन माँ अपनी बहू से कहेगी कि उसके बेटे की यादों को भुला दे? हाँ काजल, मैं कह रही हूँ, तुझे पहाड़ जैसी जिंदगी काटनी है। तूने देख लिया ना, इस छोटी सी जिंदगी में देख लिया ना, या तपती दोपहर में भेड़िए घूमते हैं, हर मर्द मौके की तलाश में है, हाथ लगाए बैठा है कि कहीं कोई औरत अकेली मिल जाए उसे। राजा यहां फरिश्ते की तरह आया है बेटी, उसने इस घर में बेटे की तरह कदम रखा है और वो तुझसे प्यार करता है। ये जमाना बहुत बुरा है बेटी, ये तुझे जीने नहीं देगा। इसे तो सीता माँ को नहीं बख्शा और तू तो बेटी काजल। माँ कट जाएगी जिंदगी उनकी यादों के सहारे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती माँ जी, मुझे उनकी यादों से तो अलग ना करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी माँ जी, मैं मर जाऊंगी। बस कर, जब भी मैं तुझे इस सफेद लिबास में देखती तो मुझे अपने को क्यों जा जाने का एहसास होता है। अगर मैं तिलकिल मर के जी रही हूँ तो तेरी खातिर, लेकिन मैं हमेशा तो तेरे साथ नहीं रहूंगी। और आज ये लड़का आया है अपना सब कुछ छोड़कर, सारी दुनिया से बगावत करके तेरी दुनिया आबाद करने, और तू कह रही है कि तू ये शादी नहीं करेगी। तुझे ये शादी करनी होगी मेरी खातिर, मेरी ममता की खातिर। अगर तू ये शादी नहीं करेगी तो अपनी माँ का मरा मुंह देखेगी। राजा आगे बढ़, इससे पहले कि ये समाज अपने घिसे पिटे रीत रिवाजों से कोई रुकावट डाले, भर दे इस मासूम की मांग। मैं कहती हूँ बेटा, भर दे इसकी मांग। पहला और आखिरी प्यार हो काजल, ना तुमसे पहले मैंने किसे मोहब्बत की है और ना तुम्हारे बात करूंगा। जिंदगी का हर एक पल तुम्हारा है, मैंने अपने अपने दिल की हर एक धड़कन तुम्हारे नाम कर दी है। मगर मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में किसी और की यादों का बसेरा है, और ये सौगात सिर्फ दो जिस्मों का ही नहीं, दो आत्माओं का मिलन होती है। और जब तक मैं तुम्हारे दिल में अपनी चाहत के रंग ना भर दूं, मैं तुम्हें छूंगा तक नहीं। हटना यार, हटना। दूल्हा दूल्हा राजा,
कैसी लगी हमारी भाभी? मोटे छोड़ ना यार, काय को तंग करते गरीब आदमी को? गरीब आदमी, जरा गरीब की सूरत तो देखो, सुभान अल्लाह। ए हाथ नहीं लगाना, अब हम घर घर श्री वाले हो गए। अब तो मेरी एक बीवी है, माँ है, दुनिया में सबसे अच्छी माँ। अपन के लिए कुछ कमाना भी तो पड़ेगा ना। अरे यार तुम लोग तो जानते ही हो, मुझे कुछ काम काज तो आता ही नहीं। अरे यार मेरा मतलब है कि मतलब अगर... छोड़ यार, मैं बोलता मैन, मेरे डैडी का एक गैराज है जो कब से बंद पड़े लाए, हम सब फ्रेंड लोग मिलकर उसे खोलते हैं। जान मेरी, पहले हम गाड़ी तोड़ा करते थे, अब जोड़ेंगे। ए दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे मेरा बेटा। चार चम्मच भर कर डाली चीनी। वो तो लग रहा है। अरे कोई लॉटरी लग गई है क्या तेरी? मेरी लॉटरी तो तू है माँ। ये देख 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 देख, देख तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कैसा लगता हूँ? माँ मेरी ये साड़ी वगैरह में चॉइस तो है नहीं, तो जैसी मिली वैसी ले आया। और ये मेरी पहली कमाई। तेरी पहली कमाई मेरे लिए? मेरी पहली कमाई मेरी प्यारी सी माँ के लिए। तूने माँ की उजड़ी हुई गोद भर दी है मेरे लाल, भगवान तेरी कमाई को बरकत दे। बस माँ तू उसी तरह सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दिए जा, और फिर देखना तेरा बेटा जमाने भर की खुशियां लाकर तेरे कदमों में डाल देगा। शर्मा जी, धीरेन्द्र प्रताप जी, आप आइए आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। शहर आया था, सोचा कि आपसे मिलता चलो, आखिर आप हमारे खानदान के पुराने सॉलिसिटर जो ठहरे। शुक्रिया इस गरीब को याद किया। कहिए क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी? शर्मा जी ऐसा लगता है अब तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्या हुआ? हाई कोर्ट ने लक्ष्मी देवी के उस वसीयतनामे को मानने से इंकार कर दिया है जिसमें उन्होंने अपनी आधी जायदाद मेरे बेटे के नाम लिख दी थी। अब मेरा बेटा तो रहा नहीं और दूसरा कोई वाली वारिस भी नहीं बचा है। अब सारी जायदाद मेरे नाम करने में आपकी सरकार को पता नहीं क्यों तकलीफ हो रही है। दरअसल बात यह है धीरेन्द्र जी कि अदालत का सारा कारोबार सबूत पर चलता है और आज तक लक्ष्मी देवी, रवि और काजल की लाशें बरामद नहीं हुई हैं। यानी आप यह चाहते हैं कि मैं उन तीनों की लाशों को ढोकर अदालत के सामने पेश करूं? और अब तक तो उन लाशों को चील कौवे भी खा चुके होंगे शर्मा जी। आप ठीक कहते हैं, लेकिन सरकार को तो सबूत चाहिए। अगर मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि वो मर गए हैं तो अदालत के पास क्या सबूत है कि वो जिंदा है? सबूत सबूत तो एक है, कुछ कच्चा पक्का सा। शर्मा जी जानते हैं आप क्या कह रहे हैं, मरे हुए लोगों को जिंदा कर रहे हैं आप। आप मुझे गलत ना समझे, ये देखिए लक्ष्मी देवी ने अपनी मौत से पहले एक नई वसीयत तैयार की थी जिसके मुताबिक उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपनी बहू और उसके होने वाले बच्चे के नाम कर दी है। ये तो नकल है, असली कागजात तो अदालत में जमा है और अगर 6 महीने तक कोई सबूत नहीं मिला तो सरकार सारी जायदाद जब्त कर लेगी।
तो आपने बता दी शर्मा जी। और आधी आप पता कर लीजिए।